बिना समय जाया किए हुए हम इस वक्त सीधे गुलाम के परिवार से मुखातिब होंगे। उनकी माँ हमारे साथ है, उनके बड़े भाई राहिल हमारे साथ हैं। परिवार साफ तौर पर मना कर चुका है कि उनका बेटा गलत रास्तों पर चल चुका था और वो अब अपने बेटे का शव नहीं लेंगे। क्या कुछ कह रहा है परिवार, वो जानने की कोशिश करते हैं। उनकी माँ की तबीयत खराब है, वो लोग रोजा भी हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। देखिए गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे थे, अब उनको बाहर ले आ रहे हैं। उनकी माँ जब तक वापस बाहर आती है तब तक उनके भाई राहिल मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राहिल, जाहिर है कि आज का दिन जो है वो आप लोगों के लिए दुख भरा होगा। क्या स्टैंड है परिवार का, गुलाम जिस रास्ते पर था उसके बाद आप लोगों ने क्या फैसला किया? हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग जो है शव नहीं लेंगे उसका जो है। पहले भी हम लोग ने कल रात में भी हम परिवार के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ बैठ के कहा कि हम लोग शव नहीं लेंगे। और रीज़न है उसके पीछे रीज़न है क्योंकि परिवार में खासतौर से माँ, जब कोई हर एक हमारा आपका परिवार होता है, वहीं बैठिए, हर किसी का परिवार होता है, तो माँ बाप ही बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे रास्ते पे चलना है। पहले शिक्षक माँ होती है, तो माँ ही सिखाती है। माँ ने हमेशा सही रास्ते पे चलना सिखाया कि सही रास्ते पे चलो, अभी एक पेंसिल भी मत चोरी करना स्कूल से, नहीं होगा तो उधार दिला देंगे, लेकिन ईमानदारी से जीवन जीना। आज उसने एक बात भी नहीं सुनी परिवार की, एक बार भी नहीं सोचा हमारे माँ के बारे में, किसी के बारे में, उसकी खुद की बीवी बच्चे थे, छोटी बेटी है उसकी 5 साल की 1 साल की, किसी के बारे में नहीं सोचा। तो आज 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 उसका शव लेके हम लोग करेंगे भी क्या, और सब कुछ तबाह कर दिया उसने एक झटके में। हमारा परिवार बहुत सम्मानित परिवार था, पार्षद रहे हमारे बाबा, पिताजी भी पॉलिटिक्स में रहे हैं, परिवार पूरा पॉलिटिक्स में रहा है, सब बहुत अच्छे, मतलब सामाजिक काम करने वाले सब परिवार, लेकिन उसने कलंकित कर दिया पूरे परिवार को कलंकित कर दिया। माँ है, तबीयत खराब है, बेटे की मौत हो चुकी है, मुश्किल में खड़े होने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा उनको परेशान भी नहीं करेंगे। अम्मा ये बताइए, कितने साल से अतीक के साथ था आपका बेटा और आज कितने दुख भरा दिन आपके लिए, आज अपने बेटा गवा दिया, उसकी हरकतों की वजह से पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया उसका, क्या कहना चाहेंगे अम्मा? जो किया ठीक किया बेटा, पुलिस ने जो किया वो ठीक किया, जो उन्होंने गलत रास्ते पे गया, किसी के बच्चे को छीना तो किसी ने मेरे बच्चे को छीन लिया, ठीक किया। अब हमें तो जिंदगी भर रोना आई है, औलाद का गम तो जाएगा नहीं, अब रोना तो हमें सारी जिंदगी पड़ेगा। उठेंगे तब रोएंगे, बैठेंगे तब रोएंगे, सोचेंगे तब रोएंगे, उनके पालने के लिए सोचेंगे तब रोएंगे। अब नहीं क्या गया हमारे पास, सब तो खो गया, ठीक किया जो किया, अच्छा किया। 5 साल की उसकी बेटी है, उसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। मेरी आप लोग से जब बात हुई, आपने बार बार कहा कि मैं समझाती थी उसको कि अतीक का रास्ता छोड़ दो, गुनाहों का रास्ता छोड़ दो, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता था। नहीं, ये तो हमें नहीं पता था कि अतीक के साथ जाता था शुरुआत से। हाँ। कभी कभी ये सा रहता था कि जो कचहरी आते थे तो बहुत से लोग मिलने जाते थे। हाँ। तो जो जाता था तो हम डांट देते थे, क्यों आ जाते हो, कहा मम्मा सभी लोग तो जाते हैं, मिलने जाते हैं, सब मिलते हैं, हम मिल लेते हैं, क्या कुछ करते हैं, कहा चुप हो जाते थे कि जाने तो हमारे बराबर, कहा बोल लिए जाते। हाँ। चला जाता था। ये इधर 2 महीना से इसको इस लाइन में ले गए। अच्छा, जब फरार रहा, इन 49 दिनों से फरार था, परिवार से संपर्क करने की कोशिश करता था, बातचीत करता था, कहाँ है, बच्ची से बात करने की कोशिश, पत्नी से बातचीत करने की कोशिश, किसी से नहीं किया। हम तो अपने महदौरी में रहती हैं, उनके बात नहीं बता सकते। हम अपना बात बता सकते हैं कि मेरे पास ना कोशिश किया, ना आने की, ना बात करने की, किसी चीज़ की कोशिश नहीं की, और ना हम कोशिश किया कि हमसे कहीं बात कर लो। अच्छा, आपको अंदेशा था कि इतने गलत रास्ते पर आपका बेटा चला गया है, आपने कभी समझाने की कोशिश की, और ये भी लगा कभी कि ऐसे लोगों का साथ करेगा तो अंजाम बुरा होगा, मौत तक उसको मिल सकती है, एनकाउंटर हो सकता है उसका? देखिए, इतने गलत रास्ता पर तो हम नहीं जान रहे थे कि ये जा रहा है शुरू से। हाँ। शुरू से तो सीधे रास्ता पता कि ठेकेदारी कर रहा था, नगर निगम में ले रहा था जमीन, वहाँ कर रहा था, जमीन बेच रहा था, सही कदम चल रहा था। तो इस चीज़ को तो हम नहीं कहते गलत कदम चल रहा है। इधर ये 2-2.5 महीने से ये कदम पर ले गए, लेकिन ये कदम नहीं जानते थे कि अतीक के साथ में है, लेकिन ये सोचते थे कि ये देर से आता है, कहीं इसका गलत कदम तो नहीं है। हमने हाथ जोड़ा, बेटा देखिए हाथ जोड़ती हूँ, कोई गलत कदम मत उठा। तो आपने अतीक से कभी मुलाकात नहीं की, मेरे बेटे को छोड़ दो, अपने साथ मत रखो, अतीक से कभी इल्तिजा करने की? अतीक से मेरा कोई संबंध नहीं था। अतीक से आपका कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं, शुरू से आखिर तक। कैसा आदमी है अतीक, आपकी नजरों में कैसा आदमी है? नहीं कहेंगे बेटा कुछ भी उसको,
डर लगता है अतीक से? डर लगता है, कमीन आदमी है। अतीक से डर लगता है आपको? जी जी, हमको डर लगता है। डर लगता है? क्या डर लगता है? हाँ। भाई दूसरे बच्चे हैं, एक को सुला दिए, दूसरे को सुला दो। अभी भी लगता है कि अगर कुछ आपने अतीक के खिलाफ बोला तो आपके परिवार को नुकसान ठहरा? नहीं बोलेंगे हम, ना बोलूंगा, ये बेटे सब कुछ बोलवा लेंगे, इसका नाम मत। अतीक के खिलाफ नहीं बोलेंगे? नहीं, नाम लेंगे किसी का। डर लग रहा है आपको उसके खिलाफ? किसी नाम, उसके नाम ही नहीं लेंगे, उसका जिक्र ही नहीं करेंगे। अपने औलाद को डांटेंगे, अपने औलाद के लिए रोएंगे, औलाद के लिए जो कहोगे उसको सुनेंगे, उसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे, उसके लिए बिल्कुल बयान ना लीजिए हमसे। आपका बेटे का इनकाउंटर हो चुका है, शव लेने जाएंगी? शव लेंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे? नहीं होंगे, किसी में नहीं शामिल होंगे, न लेंगे। अब हमको रोना है, रोएंगे बस। विपिन, मैं चाहूंगी कि आप इनके भाई से, गुलाम के भाई से भी जरूर बात करें। उसका चेहरा नहीं दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, आज उनको चेहरा दिखाना होता तो आज क्यों लंबा होता? आज क्यों लंबा लंबा सो रहा है? माई देख सकती है कि मेरा बच्चा लंबा सो रहा है, पत्थर रख लिया ना कलेजे पे, कुछ नहीं बोला बेटा, बस मुझे जीने दो, ऐसे जैसे जी रही हूँ वैसे जीने दो, जब तक की जिंदगी है ऐसे जी मत बुलाइए मुझे, मत बुलाइए मुझे मेरे लाल, जितना बोल दिया बस ऐसे हमको जीने दो, जब तक की जिंदगी है ऐसे जिएंगे। हिम्मत रखिए आप, हिम्मत रखिए। मेरे साथ राहिल भी हैं। राहिल, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जब ये पता चला, आपको तो मालूम ही होगा कि अतीक का साथ किया हुआ है, अतीक के बेटों के साथ वो रहता है, आपने समझाने की कोशिश नहीं की, डांटने की कोशिश नहीं की? आप बड़े भाई थे और जब डांटा तो क्या कहा? देखिए, जब 2007 में वो 2007 में जब वो मर्डर में गए थे, उसके बाद जब वो वापस आए 3 साल 7 महीने बाद, परिवार ने उनको बहुत समझाया, हर तरह से समझाया। और देखिए, शादी हो गए, बच्चे हो गए, 2 छोटे बच्चे, तो हम लोग को कभी ये लगा ही नहीं, कभी ये लगा नहीं कि इस तरह का गलत काम करेंगे इस तरह से। हाँ, ये मालूम है कि अतीक से मिलने जुलने जाते थे, पोस्ट देखता था कभी कभी, फोटोज निकल जाती थी यूनिवर्सिटी में, कभी कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी मैंने देखा था, तो ये तो जानकारी थी। मना किया, माँ ने मना किया, क्योंकि मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं थी, मैं 8 घंटा का जॉब करता था, फिर उसके बाद पार्टी के काम में चला जाता था। माँ उसको कई बार समझाई, अभी माँ ने बताया कि हम कुछ महीने पहले हाथ जोड़ के भी समझाया उसको। क्या कहता था जब आप लोग समझाते थे, क्या दलीलें देता था वो? माँ को यही दलीलें देता था कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, कुछ गलत नहीं होगा, कभी 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 गलत नहीं करूँगा, लेकिन समझ से परे है क्यों किया, कैसे किया, क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे भी जो भी किया गलत किया। तकलीफ है आपको भी? बहुत तकलीफ है, और तकलीफ है कि हमारी माँ कितनी दुख है हमारे पूरे परिवार में, मैं स्वयं दुखी। देखिए, एक काम किया तो उसको गलत कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बचपन में साथ में खेले हैं, उठे हैं, मैंने साथ में रहे हैं, तो दुख तो रहे ही कि आखिर तुम गलत रास्ते में क्यों चले गए। माँ ने जब हमेशा सिखाया कि सही रास्ते पर चलो, तो तुमको भी सही रास्ते पर चलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए था, और अब तुम पॉलिटिक्स भी कर रहे थे, सही रास्ते पर चलते, तुम क्यों ऐसे गलत रास्ते पर चले गए? कि अतीक बुरा आदमी है, आप लोग ये मानते हैं, ये समझाते थे उसको, अतीक अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ रहोगे तो एनकाउंटर हो सकता है, कभी लगा था ऐसा आपको? देखिए, अतीक बहुत बुरे आदमी है। देखिए, लोग खुल के नहीं बोलते हैं, और मुझे कोई डर नहीं है, मैं खुल के बोलूँगा कि बहुत बुरे आदमी है, और लोग पता नहीं क्यों उनको जोड़ते हैं कि धर्म और जात से, मुसलमान से, वो सिर्फ अपनी सोचता था, वो किसी मुस्लिम कौम का थोड़ी भला किया है, वो सिर्फ अपने परिवार की सोचता था, अपना भला करता था, क्यों लोग देख रहे हैं? आज मेरे परिवार पर है तो क्या मैं सही को सही और गलत को गलत ना बोलूँ? माँ ने यही शिक्षा दी हमें कि बेटा सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, तो आज मैं बोलूँगा गलत है, मेरे भाई ने गलत किया तो मैं बोलूँगा कि मेरे भाई ने गलत किया जो है। लगा था आपको कि एनकाउंटर तक हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने ऐलान किया था कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा तो शव तक लेने नहीं जाएंगे, आज उसका शव आ रहा है, इसी शहर में है, देख चेहरा भी नहीं देखने जाएंगे उसका? बिल्कुल नहीं देखने जाएंगे, बिल्कुल नहीं देखने जाएंगे। और बिल्कुल मालूम था कि एनकाउंटर हो जाएगा, क्योंकि योगी राज में जो है अपराधियों पे सख्त कार्रवाई देखते आ रहे हैं। हम क्या हरा, मतलब अंदेशा था आपको? एक कदम इधर आ जाइए, अंदेशा था कि आपको एनकाउंटर हो जाएगा, आपका भाई मारा जाएगा, ये बात आपने उसको कभी बताई थी कि इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा अंत ऐसा होगा? बिल्कुल ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा करेगा वो। मतलब आप समझिए, बात हमारी तो नहीं, माँ से बिल्कुल हुई थी, माँ ने बताया 2 महीने पहले उनको समझाने, मेरी तो बिल्कुल बातचीत भी नहीं थी उससे जो है, और पहले की बातें हैं, जब आया था जेल से तब उसको बिल्कुल बहुत समझाया गया कि सही रास्ते पे चलो। जेल जा चुका है इससे पहले? हाँ, वो एक बार इस मामले में गया, चंदन मन हत्याकांड में गया था, 3 साल 7 महीने जेल में रहा है, फिर उसमें अच्छा। बाइज्जत बरी हो गया, वहीं से अतीक से इनका कनेक्शन बना है। अच्छा,
वही से। उसकी एक पत्नी है, एक 5 साल की बेटी है, उन लोग की एक साल का बच्चा है, दो दो बच्चे हैं उसके। अब हालात कैसे हैं उन दोनों के? निश्चित तौर पे बहुत बुरे होंगे। जो है जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है कि निरंतर वो लोग भी रो रहे हैं, बेटी उनकी छुट्टी है। आपकी आँखों में आंसू है, आप रो रहे हैं, दुख है। मेरे 3 बेटे हैं ना, अगर मेरे बच्चे पापा पापा कह के बुलाते हैं उसके अब वो कहाँ जाएंगे, उनका कौन होगा जो है। और उसने माँ तो कही है कि भाई उसने जान ली, एक बेटे को ही मारा ना उसने, वो भी तो किसी का बेटा रहा होगा। तो क्या उसकी माँ दुखी नहीं? आज मेरी माँ बैठ के रो रही है, तो क्या उसकी माँ नहीं रोई होगी? क्या उसकी वाइफ नहीं रोई? तो क्या हम इतनी संवेदना नहीं रखें कि गलत को गलत ना बोले? आपकी आंखें आंसू से छलक रही हैं, आप सच को सच कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं। साफ तौर पर आपका स्टैंड क्लियर है कि अपने भाई की शक्ल भी नहीं देखेंगे, उसने जो किया है उसकी सजा उसको मिली है और ये सजा ठीक है। बिल्कुल ठीक है, और चाहे जान चली जाए मेरी, लेकिन सच को सच ही बोलूंगा, यही माँ ने सिखाया और हमेशा बोलूंगा। जब हाल के दिनों में उमेश पाल हत्याकांड को उसने अंजाम दिया, उसके बाद से फरारी काटी, क्या हत्याकांड को अंजाम देने के बाद घर आया था या सीधे वहीं से फरार हो गया था? नहीं, घर नहीं आया था, क्योंकि हम रात में लौट के आए थे, जो 12:30 बजे के बाद करीब घर पहुंचे थे। तो हम जब आए तो कोई नहीं था घर पे। हम आके फिर अपने वाइफ से बात करके इस पे डिस्कशन भी हुआ कि ऐसी वारदात हो गई। हम माँ सब लोग सो गए, सुबह उठे, खाना बन रहा था, माँ बैठी थी, वाइफ मेरी खाना बना रही, सब लोग परिवार में थे। फिर 10:30 बजे नॉक होता है, सादे कपड़े में कुछ लोग खड़े होते हैं, हम तो अखबार पढ़ रहे थे, उठ के 10:30 बजे उठ के बैठे हुए थे। नॉक होता है, माँ खुलती हैं दरवाज़ा, पीछे का दरवाज़ा है, तो बहुत सारे सादी वर्दी में लोग रहते थे, बोलते हैं कि गुलाम कहाँ है? तो माँ बोलती नहीं है वो, तो क्योंकि मेरा नेम प्लेट बाहर लगा हुआ, तो उन्होंने बोला राहिल कहाँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ राहिल है। फिर हम ऐसे आगे बढ़ के आए तो भट से वो सारे लोग अंदर आ गए तुरंत ही, फिर मुझे उन्होंने दबोच लिया, फिर मुझे ले गए, फिर मुझे रास्ते में पता चला कि उसने हत्याकांड किया है। इन 49 दिनों की फरारी काटने के दौरान क्या कभी संपर्क साधने की कोशिश की? एक बार अपने बच्चे को दिखा दो, मेरी पत्नी से बात करा दो, माँ से बात करा दो, कभी इच्छा जाहिर की? उसने कैसा कनेक्शन था माँ से? है, लेकिन गुस्से में भी है, क्योंकि गुलाम ने जो किया उसके बाद परिवार ने यह तय किया है कि ना वो शव लेगा ना वो जनाजे में शामिल होगा। अब वो भी है, आप भी देखेंगे तो बच्चों को खिला देंगे कि छोटे बच्चे हैं, उनका क्या दोष? जी आप बातचीत जारी रखें। बिल्कुल प्रतिभा, और आप देख सकते हैं कि गुलाम का मुझे ये बताइए, पत्नी के साथ कैसे रिश्ते थे, बच्चों के साथ कैसे रिश्ते थे, आपके साथ कैसे रिश्ते थे? इस 49 दिनों के दौरान कभी उसने संपर्क साधने की कोशिश की, ये कहा कि मेरी बेटी को एक बार दिखा दो, क्योंकि एनकाउंटर का डर तो उसको था, क्या एक बार भी उसने इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे मेरे बच्चियों से मिलवा दो? 1 साल का बेटा है उसका, 5 साल की बेटी है, दोनों बेटियां हैं, 1 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है, शक्ल तक नहीं देखा उसने? बिल्कुल कोई 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 संपर्क ही नहीं किया उसने उस जब ये चीज घटना घटी है उसके बाद जो है। हाँ, जब ये घटना घटी उसके बाद उसने एक बार भी नहीं संपर्क किया है परिवार से या वाइफ से या किसी से, किसी से क्योंकि हम खुद 9 दिन पुलिस ने हमको अरेस्ट किया हुआ था, इन्वेस्टिगेशन में थे, पूछताछ हमसे चल रही थी, सारी जो जानकारी थी हमने दी, उनकी वाइफ खुद 11 दिन थी वहाँ, तो जो भी जानकारी थी, मतलब 9 दिन पुलिस ने इस पूरे मामले में आपको अपनी हिरासत में रखा, 11 दिन उसकी पत्नी हिरासत में रह के आई, उसके बावजूद उसका दिल नहीं पसीजा कि मेरे परिवार पर आफत आ रही है मेरी वजह से, तो मैं पेश हो जाऊँ, शायद सरेंडर कर देता तो बच जाता, आपको लगता है? बिल्कुल, अगर कानून में विश्वास होता, कानूनी चीज़ों पे करता कानूनी तरीके से, तो बिल्कुल उस मौका मिल सकता था उसको कि सही चीज़ें करे वो। अब नहीं किया तो उसका परिणाम वो भुगत रहा, क्योंकि गलत किया उसका परिणाम सामने आया। आप लोग चाहते थे कि वो सरेंडर कर दे? बिल्कुल, परिवार चाहता था कि गलत किया तो बिल्कुल सामने आके वो सरेंडर करे जो है। आपने और आपकी माँ ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि अपने भाई की शक्ल तक नहीं देखेंगे, आप लोग नफरत करते हैं उनसे क्योंकि उसने गलत रास्ता अख्तियार किया। पत्नी का स्टैंड क्या है? क्या पत्नी और बच्चे जाएंगे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए? मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मीडिया चैनल से पता चला था मुझे कि शायद उनकी पत्नी एक्सेप्ट कर रही है उनका डेड बॉडी को, और लेकिन अभी हमारी व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। अतीक से कितने साल पुराना संपर्क रहा है, कितने साल पुरानी ये दोस्ती रही है, क्या कुछ पैसे देता था, क्या इस तरह के काम करवाता था, क्या भाड़े के शूटर के तौर पर आपका भाई गुलाम अतीक अहमद के लिए काम करता था, असद के लिए काम करता था? देखिए, कोई परिवार नहीं चाहेगा कभी माँ या भाई या कोई भी बाप के उसका बेटा शूटर के तौर पे पहचाना जाए देश दुनिया में।